मंगलम दंगलम। प्रेसिडेंट का कुर्सी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, लेकिन मिस्टर सकलेचा ने झूठ बोला, वो 10th फेल है। Am I right, Mr. Saklecha? I object, Your Honor. Objection overruled. Thank you, my lord. इससे ये प्रूव होता है कि मिस्टर सकलेचा को शुरू से ही झूठ बोलने का और फ्रॉड करने का हैबिट है। एंड नाउ इट इज प्रूव दैट मिस्टर सकलेचा ने हमारा क्लाइंट मिस्टर मुरली को अपना चिकना चुपड़ा बातों में ही फंसा के फ्रॉड किया। इसीलिए हम कोर्ट से अपील करेगा कि मिस्टर सकलेचा को काड़ी से काड़ी सजा सुनाई जाए। योर ऑनर, ये सब झूठ है। मेरे क्लाइंट मिस्टर संजीव सकलेचा ने मिस्टर मुरली के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। इनफैक्ट ये लूंगी मिस्टर सकलेचा ने उनको बेची नहीं थी, ये लूंगी तो रूमी सकलेचा ने बेची थी। तुम्हारा नाम क्या है? आपको पता है, आप फिर क्यों पूछ रहे हो? ये तुम्हारे फादर का लुंगी का शॉप नहीं है, ये क्वार्टर है। इसमें जो पूछा है उसका सही सही जवाब दो। रूमी। रूमी व्हाट? शर्मा, तिवारी, अय्यर, पूरा नाम बोलो। रूमी सकलेचा। माय लॉर्ड, ये रूमी सकलेचा, बेटी और बाप दोनों सकलेचा। इन दोनों का हरकत अभी सेम, फ्रॉड और चीटिंग। खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो जज साहब, ये मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगा रही है। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ऑर्डर ऑर्डर। पकोड़े और चाय मालिक के लिए बिना शक्कर वाली। हमें सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया, हमें साबित भी करके दिखाएगा। तो मिस रूमी सकलेचा, तुमको लुंगी बेचने का कितना एक्सपीरियंस है? मतलब ये कि तुम अपना लाइफ में लुंगी कितना बार बेचा है? दो लोगों को, एक अर्जुन को और एक मुरली को। मुरली नहीं, मिस्टर मुरली बोलो। तुम नॉर्थ इंडियंस को रिस्पेक्ट देना नहीं आता किसी को। सॉरी, मिस्टर मुरली को। तुम अर्जुना से जीएसटी और वैट लगा के एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया, 19.50 रुपया, राइट? हाँ, लेकिन वो गलती से हो गया था मुझसे। लेकिन तुमने अपना गलती को रियलाइज करके वो पैसा वापस देने को गया? नहीं, पर अर्जुन खुद आया था घर वापस पैसे लेने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये लड़की का आदत है गलती पे गलती करते जाना, गलती को रियलाइज करके उसको करेक्ट नहीं करने का। इसका मतलब साफ है, जैसा ये लड़की अपना कस्टमर से ज्यादा पैसा लेता है, वैसा ही उसका फादर भी अपना दुकान में घटिया क्वालिटी का लुंगी बेचता है। दैट मीन्स क्राइम में जितना लड़की जिम्मेदार है उतना उसका फादर भी जिम्मेदार है। अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने की? मेरी बेटी ना तो झूठी है और ना ही धोखेबाज। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सकलेचा, आप ये मत भूलिए कि आप अदालत में हैं। अदालत की गरिमा और मर्यादा बनाए रखिए, वरना मुझे आप पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी। ये केस उतना सीधा है नहीं जितना अदालत को दिख रहा था। इस केस की अगली सुनवाई आज से ठीक 5 दिन बाद होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज डिसमिस्ड। चुड़ैल ने तो एक ही पेशी में सारा पासा पलट कर रख दिया। ये अर्जुन कभी नहीं जीत पाएगा अपनी अम्मा से। भगवान, कहीं इन्हें सचमुच में जेल हो गया तो। अम्मा, अम्मा, मिसेस चारुलता कुट्टी, I'm sorry अम्मा, लेकिन आज पहली बार जो आपने किया वो सही नहीं था। सही वो नहीं है अर्जुना जो तुमने किया है। वो सकलेचा ने तुम्हारा आंख का ऊपर ऐसा पट्टी बांधा है कि तुमको सही गलत का फर्क नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन चिंता नहीं करो, उसको वो केस हम कभी जीतने नहीं देगा और तुमको उसका ट्रैप से बाहर निकाल के रहेगा। एक बात कान खोल कर सुनो चारुलता कुत्ती, ये केस एक दिन चले, 10 दिन चले या 10 साल चले, लेकिन आज से जो केस शुरू हुआ है ना हम दोनों के बीच में, वो जिंदगी भर चलेगा। और ये दोनों केस मैं जीत कर रहूंगा, ये संजीव सकलेचा, याद रखना। ड्रीम अच्छा देखता है तू, लेकिन अफसोस कभी पूरा नहीं होगा।
क्योंकि चारू लत्ता कुटी अपना लाइफ में कभी कोई केस नहीं हारा, ना कोर्ट का केस ना लाइफ का केस। तुम दोनों मां बेटे एक नंबर के चालू हो, क्या खेल खेला है, वाह वाह। ये केस तुमसे छीन रहा हूं मैं, और आज से ये केस दूसरा वकील लड़ेगा। चलो तेरा तो गुड़ला की खराब है अर्जुन कुट्टी। एक्चुअली ना तेरा नाम अर्जुन नहीं, ढोलक होना चाहिए ढोलक, क्योंकि एक तरफ से तेरी अम्मा बजा रही है, दूसरी तरफ से सकलेचा, और तू बच से जा रहा है। हाँ वेरी गुड। हम दोनों की लाइफ का रोमांस शुरू होने से पहले ये लोग उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं, डीएन करने पे तुले हुए हैं। मेरे प्यार के सपने के ताजमहल को एक ही झटके पे मेरी अम्मा और ये सकलेचा ने तोप से उड़ा दिया। तू क्या करेगा अर्जुन कुट्टी? इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि ये कुट्टी के खानदान के एक एक कुट्टी को कूट कूट के मसाले डोसे की और इडली सांभर की चटनी ना बनाई तो मेरा नाम भी संजीव सकलेचा नहीं। कौन है? दबाओ जाए ऐसे, बोला है ना कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। क्या मेरा गुस्सा अभी आठवें आसमान पे है, निकल जाए ऐसे। मालिक आठवें नहीं सातवें पे। मेरा गुस्सा मैं सातवें क्या बत्तीसवें आसमान पे रखू, तुम्हें क्या है? दबाओ जाए ऐसे। मालिक आपके गुस्से का रामबाण इलाज लेकर आ रही है अपन, अब आपका गुस्सा थर्मोमीटर के पार जा ही नहीं पाएगा। इससे के तेरा सर फोड़ो, मेरा गुस्से से सर फटा जा रहा है, और तुझे क्रिकेट खेलने की सूझी है? मालिक बल्ला सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं होवे, धुलाई करने के लिए भी होवे। धुलाई? हाँ मारो मालिक, चौके छक्के सब मारो मालिक, कुट्टी का मुंह तोड़ दो मालिक, मारो सारा गुस्सा निकाल लो, मारो मालिक मारो। अरे ये रिंकू धोनी कम से बन गया। अर्जुन कुट्टी, तो लगता है गलत टाइम में तूने एंट्री मारी है, इसके पहले कोई तुझे देख ले यहां से चुपचाप कट ले। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या ना ससुर सकलेचा जी, आप शायद भूल रहे हैं, यू नो मैं आपका वकील बनके यहाँ पे आया हूँ। तुम मेरे वकील हो नहीं, तुमसे तुम्हारा मुकदमा छीन के निकाल चुका हूं तुम्हें। वो क्या है ना सर, जिस इंसान ने मुझे हायर ही नहीं किया वो मुझे निकाल कैसे सकता है? शायद आप ये भी भूल रहे हैं सर कि मुझे आपने हायर नहीं किया, आपकी एसोसिएशन ने मुझे हायर किया। तो टेक्निकली और लॉजिकली स्पीकिंग ना आप मुझे निकाल सकते हैं ना मुझे रोक सकते हैं। देखिए बात कुछ ऐसी है मिस्टर संजीव सकलेचा कि ये दलीलें गवाहियां कोर्ट कचहरी के केसेस ये सब तो चलते रहते, माना कि कंडीशन आज हमारे फेवर में नहीं थी सर, और हमें थोड़ा डिफेंसिव होके खेलना पड़ा, लेकिन कल जब वक्त बदलेगा तो हम फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे सर, और ऑपोजिशन पार्टी को डिफेंसिव होने पे मजबूर कर देंगे। जितना यहां बोल रहे हो उतना कोर्ट में नहीं बोल सकते थे अपनी अम्मा के सामने? माना के अम्मा को इस तरह कोर्ट में अपने सामने वो वकील के कपड़ों में देखकर मैं थोड़ा शॉक हो गया था,
देखिए मैं तो गुगली एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आ गया बाउंसर, तो इस शॉक की वजह से मैं थोड़ा चौंक गया था। अच्छा इसने भोंक नहीं सके, मेरा मतलब है दलील नहीं दे सके। अरे लेकिन उस मुरली को हराने के लिए कोई प्लान है तुम्हारे पास? है। उस मुरली की मुरली और तबला दोनों एक साथ बजाने के लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। ऐसा क्या प्लान है? एंगेजमेंट के बाद हम उसकी भाई की शादी पे बिन बुलाए मेहमान बनकर जरूर जाएंगे और एक ऐसा तोहफा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कल तुम्हारा शादी है शंकरा, मिसेस कुट्टे का पांव चुके आशीर्वाद लो। ये कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, देवी है, देवी इंसाफ की देवी, हमारा मलयाली सोसाइटी का प्राइड है, हमारा आन बान शान है, मिसेस चारुलता कुट्टी। आयो खुश रहो, खुश रहो, हैप्पी मैरिज। तुमको मालूम शंकरा, कुट्टी मैडम हमारे लिए अपना खुद का बेटा के अगेंस्ट केस लड़ रही है। खुद को बहुत बड़ा लॉयर समझता था अर्जुन कुट्टी, पर कुट्टी मैडम ने कोर्ट में उसका चुट्टी कर दिया। एक वर्ड नहीं बोल पाया कुट्टी मैडम के सामने, उसका शकल देखने लायक था। मिस्टर मुरली, अभी आप हमारा बेटे का खिलाफ एक शब्द बोलेगा ना, हम आपको इधर से गेट आउट होने को बोलेगा। मिस्टर मुरली, हमारा बेटा बहुत ब्रिलियंट लॉयर है, कभी कोई गलत केस नहीं लिया। इस बार वो लुंगी सेलर सकलेचा ने उसका ब्रेन वॉश किया, इसीलिए थोड़ा गलत हुआ वो। सॉरी सॉरी, हम नहीं जानता था, आप इतना माइंड करेगा, प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम, वैसा अभी हमारा पूजा का टाइम हो गया है तो ओके, तो हम लोग भी चलता है। माया या स्त्री, ब्रेन वॉश तो हम किया है इसका। इसको इतना नहीं मालूम कि रॉन्ग केस इसका बेटा का हाथ में नहीं, इसके हाथ में है। अब तुम देखना, तुम्हारा मैरिज का, तुम्हारा शादी का पूरा खर्चा हम उस सकलेचा से मिलने वाला कंपनसेशन अमाउंट से पूरा कर लेगा। कौन है ये बेवकूफ फरसान की जो इतनी सुबह सुबह दरवाजे की घंटी को मंदिर की घंटी समझ के बजा रहा है? ए संगीता, ए देखो ना कौन है। आप ही ने कहा ना, क्या दरवाजे पर जो घंटी बजा रहा है वो बेवकूफ फरसान की है। दरवाजा खोल दिया अगर उसने अपनी सनक दिखाई और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं नहीं जा सकती, वहां पे जाइए। इस घर के सभी लोगों को काम ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। आया आया। अरे बेल जल जाएगी, वो बेल है दुश्मन का गला थोड़ी ना है। आप? हाँ हाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ तो मैं ही आऊंगा ना, चौंकने की क्या जरूरत है इतनी सुबह सुबह। शायद आप भूल गए हैं सर, मुरली की बैंड बजानी है इसलिए उसके भाई की शादी पे जाना है, इसलिए तो मैं आया हूँ। हाँ शादी तो शाम को होगी ना, तो शाम को जाएंगे। हाँ मंडप की कुर्सियां उठाने जाएंगे, हमारे यहाँ शादी सुबह सुबह ही हो जाती है। ये साउथ इंडियन लोग भी कमाल होते हैं, अरे सुबह सुबह लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कोई सुबह सुबह शादी करता है क्या? हम करेंगे ना। कौन? हम अटेंड करेंगे ना। देखिए क्या है ना कि हम मलयालियों में सुबह सुबह ही शादी की जाती है ताकि शाम तक लड़के का इरादा ना बदल जाए। पता नहीं है ना कि कौन सा मंचला लावण्या जैसी लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के पीछे पड़ जाए। है? गलत गली में घुस रहे हैं आप। नहीं, मैं तो सही गली में घुस रहा हूँ, तुम गलत घर में घुस रहे हो। मुरली की बैंड बजानी है, हाँ केस जीतना है, हाँ तो साथ में चलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। ऐसे
कैसे जाएंगे हम? तैयारी करके आया हूँ तैयार होने के लिए। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहीं चेंज कर लेता। वैसे रूम की कोने में बदल लो। चलो या कोने में। नीचे देखो, नजर नीचे, आंखें फोड़ दूंगा मैं। ए, तुम्हें कह रहा हूं मैं। ए, खबरदार जो दिमाग में मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचा तो। काश हम किसी और की शादी में नहीं जा रहे होते, बल्कि क्या? बल्कि क्या? बल्कि आपकी बेटी की शादी। बल्कि क्या? बल्कि आप अपनी बेटी की शादी पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर। शादी किसी की भी हो, हाँ, मैं हमेशा ऐसे ऐसे ही तैयार होके जाता हूँ। कपड़ा मंडी में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ मैं, ऐसे वैसे कपड़े पहन के जाऊंगा। शुभ विवाह क्रिएशन का मालिक हूँ मैं। अभी वो गुप्ता जी की बेटी की शादी थी ना रूमी, याद है तुम्हें? सब लोग आकर पूछ रहे थे कि ये शेरवानी कहाँ से ली, कहाँ से ली? शुभ विवाह क्रिएशन से। दूसरे दिन 8 शेरवानी अभी की 8। वो क्या है ना कि सर, हम जासूसी करने जा रहे हैं आपकी दुकान की सेल्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप इतनी तड़क भड़क कपड़ों के साथ आप निकलेंगे तो सबकी नजर कहाँ होगी? कैसे कपड़े पहनने चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे हम सब ने पहनी है। देखिए तो क्या साड़ी पहनू? हाँ जहाँ पे डाली। अरे क्या डाली? ये ऐसे करके बंद। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे ये लुंगी के साथ खुद को भी लपेट रहे हो क्या? मालिक एक वीडियो में तो ऐसी दिखा रही है। एक दो अगले साल तक तो जरूर बन जाएगी। चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चाहो तो तुम मदद करोगे संजीव सकलेचा की? ओहो हाँ, बोल दीजिए ना, वो आपको फटाफट आकर लुंगी पहना देगा। क्या फटाफट पहना देगा? हाँ बाबू प्लीज मान जाइए ना, आपकी लुंगी के चक्कर में हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। सबसे पहले काम की साइड हो जाइए। थैंक यू। और सबसे पहले इसको, अरे हाँ ऐसे निकालना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, निकाल रहा। इसको किया ऐसे और इसको घुमाया। हाँ समझिए। ये वही लुंगी है ना, खुजली वाली? मैं खुजली वाली लुंगी नहीं बेचता। कंसाइनमेंट वाली सर? हाँ हाँ उसी कंसाइनमेंट की है, लेकिन दूसरे बॉक्स की। अगर एक बॉक्स की लुंगी से खुजली और रैशेज हो सकते हैं तो लॉजिकली दूसरे बॉक्स की लुंगी से भी हो सकते हैं ना? हो सकती है, 100% हो सकती है। खुजली 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 की बहुत खुजली है क्या? नहीं नहीं सर, देखिए क्या है ना, कमीशन का मिशन और टेस्ट केस का केस ले लेते हैं और एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट। मैं क्या प्रयोगशाला हूँ, लेबोरेटरी हूँ क्या? सारे प्रयोग मेरी लेबोरेटरी में करोगे? केस के साथ चल रहा है, दुकान किसकी है? मेरी। तो खुजली लुंगी कौन पहनेगा सर? मैं पहन रहा हूँ ना। वेरी गुड। तूने कौन सी लुंगी पहनी? अपनी। अरे वाह, तुम अपनी लुंगी पहनो और मैं खुजली वाली, मतलब मेरे कंसाइनमेंट वाली। अरे खुजली होगी भी तो बाद में होगी ना, मतलब अगर होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए अपनी दुकान पे अपनी लुंगी पे। ये साउथ इंडियन लोग भी अजीबोगरीब होते हैं। ये देखो ऐसे सफेद कपड़े, ये कोई कपड़े है? ऐसे लग रहे हैं आप सोबर। नहीं मतलब अगर रोज ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे।
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं रोज भड़कीले कपड़े पहनता हूँ? बात क्या करते हो तुम? बापू और अर्जुन प्लीज, अब ये डिस्कशन आप बाद में कर लीजिएगा, अब जल्दी चलिए। मैं जाऊंगा मगर तुम्हारे बिना। पर बापू क्यों? मैं किसी और की तरह स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डालूं। बापू कुछ नहीं होगा ना, मुझे भी इस मिशन का हिस्सा बनना है प्लीज। अब आप लोग हैं तो मेरे साथ, फिर मुझे क्या होगा भला? मैं जाऊंगा मगर तुम्हारे बिना। चलो मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम।